गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आप सभी को नई वीडियो में। सुबह की बज रही है 7:30 और आज आप आ चुके हैं मंदिर और दर्शन भी कर चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको ना रोज़ रो काम है वीडियो बनाना और आप रोज़ रो काम है हमारा वीडियो देखना। चलो चलते हैं अब घर, घर जाके आपसे मिलते हैं। तो मित्रों टाइम 8:30 हो चुकी है और अब जाते हैं बाहर गाय को पानी पिलाने के लिए और उसको भी पानी पिलाने के लिए जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों में। अभी मैं घर आ चुका हूँ, खाना भी कर चुका हूँ, सब काम कर चुका हूँ अपना। अब पढ़ाई करने के लिए बैठूँगा, ई बुक से पढ़िए देखो बारी के ऊपर। और अब जाते हैं गाय को पानी पिलाने के लिए, इसलिए वीडियो बड़े न जाना मत। तो मित्रों गर्मी पड़ रही बहुत ख़तरनाक वाली और मैं जो कि उनसे पानी पान ला चुके हैं, जा रहे हैं घर। गर्मी पड़ रही तेज, हालत ख़राब हो रही है। इस टेम्परेचर के अंदर भी 35 डिग्री हो गए हैं, 9 बज रही है। तो मित्रों अभी दोपहर की बज रही है 1 और गर्मी इतनी ख़तरनाक चल रही है। और बाहर देखो हवा बाज रही है, चल रही है, देखो ये पीपल है जो पूरी तरह से हिल रहा है, एकदम गर्म हवा आती है, एकदम गर्म। जैसे सर्दी के मौसम में अपन रूम के अंदर गर्म हवा की मशीन कैसे लगाते हैं, जैसे रूम एकदम गर्म हो जाता है, उसी हालत है। इस तरह की हालत है अभी फिलहाल। और मेरे रूम के अंदर ना कोई पंखा है ना कोई लाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप है जो को सब देख लो, इनमें ना कोई पंखा है और ना कोई लाइट है, सिर्फ इस हवा की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। ये वाली हवा, ये हवा आती है देखो, और गर्म गर्म एकदम गर्म गर्म आ रही। अभी मित्र दोपहर की 2 बज रही है और मैं आया हूँ रूम हूँ बाहर गाय ने पानी पाने वास्ते। तो बकेट भरा हूँ पानी दी, अपने दौड़ने पान और पानी, क्योंकि गर्मी पड़े 45 डिग्री तो कुछ तो ला ही जाओ जानवरों ने बेचारों ने, बेजुबान जानवर बोल भी नहीं सकते, तो अपन का फर्ज है उसे पानी पिलाना और ध्यान रखना, क्योंकि बाल्टी भरी हूँ पानी दी आदि। अभी ये पानी का डब्बा भर के चिड़ियों को डालेंगे, जो चिड़ियों को पीने की व्यवस्था है पानी की तो उसमें ले जाकर डालेंगे, क्योंकि 2 दिन से पानी डाला नहीं। तो अभी इस डब्बे को भरते हैं और फिर ले जाके वहीं डालते हैं। ये डब्बा भर लिया हमने पानी का, अब ले जाकर डालते हैं वहाँ। तो मित्रों गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें अपने घर के बाहर या घर के छत के ऊपर या पेड़ पौधे में कहीं टांग के रखें इस तरह, ताकि पक्षियों को पानी की व्यवस्था बराबर मिल सके इस गर्मी के मौसम में। ये पानी का है पक्षियों के लिए, ऐसा बना के रख सकते हो आप, मोल भी ला सकते हो, प्लास्टिक के मिलते हैं, अंदर से मिट्टी का मिल जाता है आपको कहीं बाज़ार में, शहर में रहते हो मिट्टी का बाज़ार मिल जाएगा, गाँव में रहते हो तो गाँव में कहीं कुमारों का घर मिल जाएगा, नहीं तो आप घर भी कोई भी बर्तन फालतू हो तो उसका भी उपयोग करके ऐसा बना सकते हो, बनाए ज़रूर। और ये है पीछे मटके देख सकते हो।